नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, सेक्टर 12 खेल परिसर में इंडोर स्टेडियम जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं। पूरे फरीदाबाद ज़िले से दूर दूर से युवा आए हैं और हमारे सामने मोंटी जी हैं, आप इनको ज़रूर पहचानते होंगे। फरीदाबाद के ये एक तरह से स्टार हैं, अच्छा डांस करते हैं, एंकरिंग अच्छी करते हैं। सर, आप भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं? जी, मैं पहली बार मैंने अपने शहीद भाइयों के लिए खून दान किया है। अच्छा, अच्छा। आज से पहले 29 साल की उम्र हो गई मेरी, मैंने कभी रक्तदान नहीं कर पाया मैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, और मैं अब पहली बार मैंने अब की बार इस शिविर में हिमांशु ने मुझे जो है जज्बा फाउंडेशन की तरफ से जज्बा दिया। बिल्कुल, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार करके देखिए, मज़ा आएगा, अच्छा सही लगेगा। बात, सही बात। और सही मायने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी भी हो रही है कि मैंने शहीद भाइयों की याद में अपना अपने खून का दान दिया। और जो भी मेरे से अगर और भी कुछ बन पाता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो भी आगे डोनेशन करूँ, दान दूँ। ये तो एक छोटे से खून की बात थी। अगर मेरे जाने के बाद अगर मेरे शरीर का कोई अंग किसी के काम आता है तो वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत बढ़िया मोंटी जी, और आप बहुत बढ़िया एक्टर हैं, अच्छी डांसिंग करते हैं। फरीदाबाद के सभी लोग आपको ज़रूर जानते हैं, पहचानते हैं, और आपको रक्तदान करते देखकर लोगों में ज़रूर एक इंस्पिरेशन मिलेगी, वो भी रक्तदान करेंगे। सर, आपकी कोई संस्था भी है जिसके ज़रिए आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताना चाहेंगे? मैं, हमारी संस्था है भारत मोंटी कल्चरल ट्रस्ट करके। बिल्कुल, भारत मोंटी कल्चरल ट्रस्ट के द्वारा हम कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह करते रहते हैं। अच्छा। और कई सारी कार्यशालाएं भी निःशुल्क बच्चों के लिए लगाते रहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। अभी मैंने एक फाइल तैयार करी है जिसमें मैं 2 से 3 स्कूलों में 3-3 दिवसीय कार्यशाला निशुल्क लगाने वाला हूँ, हरियाणवी लोक संस्कृति के बारे में बच्चों को बताने के लिए, उनको लोक नृत्य का मतलब ज्ञान देने के लिए, लोक संस्कृति का ज्ञान देने के लिए। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए पूरा संभव प्रयास कर रहे हैं भारत मल्टीकल्चरल ट्रस्ट द्वारा। जिसमें आपसे अगर किसी को जुड़ना है आपके ट्रस्ट से तो कैसे जुड़े, कोई फ़ोन नंबर है कुछ है? जी बिल्कुल, हमारी ईमेल आईडी है भारत मोंटी कल्चरल ट्रस्ट @gmail.com और मोबाइल नंबर है 7011-09-7007। ये हमारी संस्था का नंबर है। ऑफिस हमारा सेक्टर 15A में है, D56 हाउस नंबर है, वहाँ पे भी आप हमसे मिल सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे फ़ोन करके मिले तो बहुत ही बढ़िया बात है। और जुड़ने के लिए हम एक आपको छोटा सा फॉर्म देंगे हमारी संस्था का, वो फॉर्म में कुछ जो क्वायरीज रहती हैं वो आपको फिल करनी होंगी, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद मोंटी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको रक्तदान करते देखकर फरीदाबाद के युवाओं को ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी, लोग रक्तदान करेंगे। मैं चाहूँगा कि युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, मैं भी डरता था, लेकिन मैंने पहली बार जब खून दिया मुझे पता भी नहीं चला रक्तदान करते समय कि मेरा कब कम में एक यूनिट पूरा भी हो गया। मात्र 3 से 3.5 मिनट मुझे लगे एक यूनिट पूरा करने में। बिल्कुल, और कोई फर्क मुझे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आगे बढ़ो, और खास बल्कि नव युवा, सिर्फ बॉयज ही नहीं, गर्ल्स भी, हमारी जो माताएं बहनें हैं हमारी जो प्यारी प्यारी, वो भी आगे आए, वो भी ब्लड डोनेशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हमने कुछ अच्छा एक काम के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि मैंने अभी अभी एक नया चैनल शुरू करा है, 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, हरियाणवी चौपाल के नाम से है। आप हरियाणवी चौपाल अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हरियाणवी चौपाल बाई मोंटी शर्मा भी कर सकते हैं। अभी मेरा एक बहुत ही सुंदर गाना आया है भोलेनाथ का, सुन भोलेनाथ, आप उसको एक बार ज़रूर सुने। यूट्यूब चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब करके एक बार उसको ज़रूर आप उसे सीख सकते हैं। उस पर हरियाणवी लोक नृत्य, हरियाणवी गीत आपको सुंदर सुंदर उसमें देखने को मिलेंगे अलग अलग, और किस प्रकार हमारी जो भाषा थी, हमारी जो गेटअप था, हमारा जो पहनावा था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक बार वहाँ पे भी युवा साथियों से अपील करता हूँ कि अगर आप इच्छुक हैं, हरियाणवी संस्कृति से जागरूक होना चाहते हैं, उससे रूबरू होना चाहते हैं, तो हरियाणवी चौपाल पे जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।